बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात इस तेल की करेंगे जिसका नाम है सांडा ऑयल। दोस्तों, इसके हम रेट और इसके फ़ायदे और इसको किस तरीके से लगाया जाता है और ये किस काम में आता है, आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, ये है सांडा ऑयल। मार्केट में दोस्तों काफ़ी अवेलेबल होते हैं, काफ़ी कंपनियां बनाती हैं सांडा ऑयल। हर कंपनी का अलग अलग ब्रांड होता है। तो दोस्तों, एक ब्रांड ये भी है सांडा ऑयल। दोस्तों, इसके रेट हम बात करते हैं इसके रेट की, तो इसके रेट है 249 रुपीज़। और दोस्तों, ये किस काम में आता है, और पहले इसको आपको हम इस तेल के बारे में जानकारी देते हैं, ये तेल कहाँ से निकलता है और इसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है। दोस्तों, सांडा ऑयल, सांडा एक जानवर होता है जो छिपकली की तरह दिखता है, उसको सांडा कहा जाता है। ये पंजाब, पाकिस्तान और राजस्थान के रेतीले इलाकों में पाया जाता है। इसका तेल निकाल कर मार्केट में बेचा जाता है, ये वही सांडा ऑयल होता है। दोस्तों, इसके बाहर देशों में भी काफ़ी मांग होती है। इसका इस्तेमाल मर्दाना कमज़ोरी के लिए किया जाता है। सांडा ऑयल, इसका इस्तेमाल मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने के लिए किया जाता है, जैसे लिंग में कमज़ोरी आ जाती है, लिंग पूरी तरीके से तनाव नहीं दे पाता है। जवानी में कुछ लोग गलत हरकत करने की वजह से लिंग की नसें कमज़ोर कर लेते हैं। लिंग की नसें कमज़ोर होने के कारण ढीला ढाला रहता है और अपने पार्टनर को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं दे पाता है। सांडा ऑयल गर्म होता है और इसी कारण से ये लिंग की नसों के खून के बहाव को तेज़ करता है और लिंग को लंबा और मोटा भी कुछ हद तक करता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं इसके यूज़ करने के तरीके। दोस्तों, इसको यूज़ लिंग पे किया जाता है। लिंग का आगे का हिस्सा, इतना हिस्सा छोड़कर पीछे के हिस्से पर यहाँ पे इसको 5-5 बूंद डालकर इसको रब किया जाता है उंगली से, दोनों टाइम सुबह शाम। दोस्तों, इस तरीके से हल्के हाथ से, हल्की उंगली से इसको रब किया जाता है। दोस्तों, ये थे इसके यूज़ करने के तरीके। दोस्तों, कम से कम इसको 40 दिन तक आप यूज़ करें, तभी आपका लिंग पूरी तरीके से तनाव में आएगा और पूरा तनाव देगा। आइए दोस्तों, इसके जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों, जिस हिस्से पे आप इसको यूज़ करें या यूज़ कर रहे हो, अगर वहाँ आपको जलन महसूस हो या उसमें रेडनेस महसूस हो या ईचिंग ज़्यादा होने लगे, तो इसको यूज़ ना करें। इसको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही यूज़ किया जाए। दोस्तों, ये थे मेरे कुछ टिप्स इस ऑयल के बारे में। दोस्तों, मैं एक डॉक्टर के नाते मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आपको सही जानकारी दूं। यूं ही आप मेरी वीडियो हमेशा देखते रहें और खुश रहें, ये मैं दुआ करता हूं। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड बाय।